विदिशा जिले के पठारी में श्री राम कथा महोत्सव के पांचवे दिन पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए ऋतु साक्षी द्विवेदी ने कहा कि राम जी हमें तभी मिलेंगे जब हम अपना निर्मल मन रूपी सुमन उन्हें अर्पित करें। मन को निर्मल बनाने के लिए ये राम कथा है। श्री रामचरित मानस की कथा में राम सीता विवाह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथावाचक साक्षी द्विवेदी ने श्री राम सीता के विवाह की कथा सुनाते हुए कहा कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था। एक दिन सीता जी ने घर की सफाई करते हुए उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसे देख राजा जनक को आश्चर्य हुआ क्योंकि धनुष किसी से उठता नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।